मेरी और मुर्तजा की शादी। वो नूर नहीं रही जिसे मैंने मोहब्बत की थी। मुर्तजा और तहनियत की शादी जल्दी करना चाहती। बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी पोस्ट से खुशी मिलती। ये मुर्तजा अब सिर्फ और सिर्फ मेरी दोस्त का मंगेतर है और कुछ भी नहीं। मुझे लगता है कि अगर तुम काम करना चाहती हो तो तुम्हें सबको क्लियरली बता देना चाहिए। मामूली सी चिंगारी भी सब कुछ जला के राख कर देगी। मैं की ख्वाहिशमंद है जिसके लिए हर रिश्ता है कि मदद। नूरलैन मोहब्बत के हाथों बहुत मजबूर हो जाती है, मुर्तजा से दूर रह नहीं सकती। वो शादी करने को तैयार हो जाती है। वो बहुत कोशिश करती है कि किसी तरह से मुर्तजा को मना दे, लेकिन मुर्तजा नूर से कहता है ये हमारी मोहब्बत की आखिरी मुलाकात थी। तहनियत अपनी माँ से कहती है कि मैं भी शादी नहीं करना चाहती। मुर्तजा अपने आप ही से कहता है कि नूर की जिंदगी में घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ है, रिश्ते उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। नूरलैन तहनियत को अपनी जैसे बनाना चाहती है। वो उसे मशवरा देती है कि तुम जॉब करो और ये बात सबको बताओ। लेकिन मुर्तजा की माँ को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं कि तहनियत नूर के साथ रहे या वो जॉब करे। वो तहनियत की माँ से कहती है कि अगले महीने तहनियत और मुर्तजा की शादी हो। नूरलैन को एक धचका और लगता है जब तहनियत उसको बताते हैं कि अगले महीने मुर्तजा और उसकी शादी। नूरलैन तहनियत और मुर्तजा की शादी को रोक पाएगी? क्या वो मुर्तजा को हासिल कर पाएगी? सब जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके